हिमालयन, जय हिमालयन, हिमालयन गैंग फॉर लाइफ। भाई साहब इतने राइडर्स मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में एक साथ नहीं देखे। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और इतनी जल्दी अगर हम उठे हैं तो आज कोई तो रीज़न हो गए। तो आज हम जा रहे हैं एक राइड के लिए। तो एक छोटी सी राइड है पर एक काफ़ी स्पेशल राइड है और इसके लिए हम फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी हम हो रहे हैं इसके लिए लेट, क्योंकि 6 बजे हमको अपने मीटिंग पॉइंट पहुंचना है। तो फटाफट निकलते हैं, सामान आ रहा तैयार है और लेट्स गो। तो मेहरबान कदरदान धोबी की दुकान गोप्रो हमने कर दिया चालू। सुबह के बज रहे हैं 5:55 और हम निकल लिए खाली सड़कों पे। पेट्रोल भी थोड़ा कम है, अगर बीच में जगह मिलती है तो पेट्रोल डलवाते हैं, वरना हमको जो अपने मीटिंग पॉइंट है उसको पहुंचना, जो कि है मयूर विहार फेजन का मेट्रो स्टेशन। ऊपर से तो पूरी तरह पैक है, नीचे लग रही है थोड़ी थोड़ी सी ठंड। मतलब बूट्स पहने हुए तो नीचे पैरों में तो ठंड लग रही है, जहाँ पे जीन्स पहनी हुई वहीं पर थोड़ी सी ठंड लग रही है। पर ज़्यादा टाइम को लगना नहीं चाहिए पहुँचने के लिए क्योंकि खाली मिली रोड, तो 15 मिनट में हमको पहुँच जाना चाहिए मयूर विहार स्टेशन पे। पहुंचते हैं और आगे की बातें आपके साथ राइड पे करते रहेंगे और आपको बताते हैं कहाँ हम जा रहे हैं और क्या हमारा प्लान है, क्योंकि प्लान है थोड़ा मजेदार, तो वो आपको पता चलेगा रास्ते में। तो पेट्रोल वेट्रोल तो भरवा लिया, बट अभी आगे वाले टायर में हवा बहुत ज़्यादा कम थी। अब मुझे लग रहा है कहीं इसमें पंचर तो नहीं है, बट अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ कि जहाँ पे मीटअप है वहाँ तक जाके चेक करवा लेता हूँ कि पंचर है कि नहीं है। अगर मुझे उसके बाद भी इसमें हवा कम लगती है तो फिर तो उसमें पंचर डलवाना ही पड़ेगा। तो ये रहा जी हमारा पहला स्टॉप मयूर विहार फेज 1। यहाँ पे हमको मिलेंगे देव भाई। हमने जो एक रिस्क लिया था इसके साथ कि इसमें पंचर नहीं लगवाया, बस हवा ही भरवाई थी, वो काम करेगी। अभी तक होता तो इसकी हवा निकली जाती। तो देव भाई की एंट्री हो चुकी है ब्लॉग में। अगर आप नहीं जान पाए तो जब हम पानीकोट ले गए थे वहाँ पर हमको कुछ राइडर्स मिले थे, वहीं पर हमको देव भाई मिले थे। और भाई कैसे हो सब लोग? चले फिर। तो वी आर रेडी, देव भाई विल लीड अस एंड वी आर गोइंग विद आई राइड रिस्पॉन्सिबली। उसके बारे में देव भाई हमको बताएंगे, वो ये सब मैनेज करते हैं। तो जैसे वो मुझे बताते हैं मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही मतलब ट्रांसफ़र चलता रहता है इन्फॉर्मेशन का हमारे से आप तक, उनसे मुझ तक। को पहुँचना है मकूरबा चौक, जो यहाँ से अराउंड 11-12 किलोमीटर दूर है। तो जो हमारे देव भाई हैं वो तो थोड़ा आगे निकल गए, पता नहीं कैसे बीच में हल्का सा जाम है और वो निकल गए, और मैं कैसे पीछे लगता हूँ ब्रो? ब्रो मेरे पास हिमालयन है ब्रो, ऐसे नाम खराब हो रहा है ब्रो मेरा। चल ब्रो यार एट द मुकरबा चौक, और मुझे ये जगह मिल नहीं रही थी, पता नहीं कैसे नहीं मिल रही थी। इतनी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब मैं कैसे बताऊँ। वहाँ से आधा राउंड 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है, सिर्फ राइडर्स खड़े हुए हैं। भाई साहब देख रहे हैं आप, हुजूम है यहाँ पे, हुजूम। भाई साहब इतने राइडर्स मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में एक साथ नहीं देखे। ओ माई गॉड, कोई तो आया मैं जिसको जानता हूँ। बस बोर हो गया भाई देव भाई के साथ, डांस वांस कर रहे थे। एक वीडियो तो बना यार, स्वागत आप सबका। नहीं चल रहा है, ध्यान से देखिए। आज की जो राइड है और जो ब्लॉगर है हमारा जब, तो उसको यही नहीं पता राइड किस चीज की है। मैं इस राइड में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि हर ग्रुप में ये डिस्कवर होते, मैंने कहा आज कुछ तो है, जाना पड़ेगा। अब पता चला कि आज अभी भी नहीं पता ढंग से क्या था। आज जो राइड है दरअसल हमारे रजत भाई को पता नहीं है कि किस चीज़ की राइड हो रही है। हो गया ये एक बार हो गया। मैं नहीं दोबारा कट कर दूंगा, एडिट मुझे ही करना है। आज राइड है वन नेशन वन राइड, जो कि हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे मार्शल्स वगैरह, उन सबको डेडिकेट करने के लिए हम लोग ये राइड करते हैं हर बार। तो आज ये हमारा मोर्चल तक राइड होने, ज़्यादा डिटेल दे दिया मैंने, वो मैं दे दूँगा, वो रास्ते में संभाल लूँगा। जो लोग ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, पिछली बार तो ब्लॉग कर रहे थे। ये लोग भी हमको वहीं पानीकोट की वैरायटी में मिले थे, अभी जी और अभी हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं। इत्तेफाक से मुझे तो पता मिलता वो लोग आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया, तो मैं उसको सोच रहा था कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक उसको लेके जाए। पर भाई साहब इतनी दूर तक है ना, अगर मैं उसको वहाँ पर ड्रोन ले जाता तो उसका कनेक्शन लूज जाता, फिर हमको ड्रोन तो मिलता नहीं, किसी और के पास ही होता। बहुत ज़्यादा भाई, मैं कैसे दिखाऊँ। तो काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चल गया है कि ये है वन नेशन वन राइड, और जिसमें अराउंड 1000 से ज़्यादा राइडर्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जो हमारे जो मार्टियर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो फ्लैग ऑफ हो चुका है और सारे राइडर्स निकल चुके हैं मुकरबा चौक से। अराउंड मोर देन 1000 राइडर्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जब चल रहे थे तो उसमें ट्रैफिक काफ़ी मिला था, बट अब थोड़ी स्पीड सबकी अच्छी हो गई और सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी तरह इसको मैनेज किया जा रहा है। एक साइड में राइडर्स चल रहे हैं जो मेंटेन कर रहे हैं कि कोई लाइन से अलग ना निकले, और सारे राइडर्स एक लाइन में आगे चल रहे हैं। अगर ट्रैफिक हो रहा है तो नीचे रुक रहे हैं और नहीं हो रहा तो आगे बढ़। फ्लैग ऑफ का टाइम अराउंड 7 बजे था, बट वो लेटर तो 8 बजे हो गए। जब इतने सारे राइडर्स एक साथ चलेंगे तो भाई साहब लेट वेट तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। अब ये मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि इतने सारे राइडर्स एक साथ चलेंगे, क्योंकि भाई इतने सारे राइडर्स एक साथ चल रहे हैं मैंने नहीं देखा आज तक। तो मुझे एक्साइटमेंट भी हो रहा है, और मतलब समझ रहे हो, मोर देन 1000 बाइक्स एक साथ रोड पर चल रही हैं। इमेजिन करो भाई। हिमालयन गैंग फॉर लाइफ। कितनी हिमालयन दिखती है ना भाई। देखो ये हिमालयन है, हिमालयन है, हिमालयन। कहीं भी चले जाओ इंडिया में बाइक्स में आपको हिमालयन ज़रूर दिखाई देगी। जहाँ भी राइडर्स होंगे वहाँ पे हिमालयन ज़रूर होगी। तो इंडिया घूमने के इससे अच्छा और इससे किफ़ायती और सब भैया भाई कोई है नहीं भाई। कंपटीशन ही नहीं है। इतनी बार बोल चुका, हर बार ब्लॉग में बोलता हूँ, हर बार फोटो ब्लॉग में बोलता हूँ जब भी बाइक चलाता हूँ कि भाई बाइक चलाने में जो मज़ा है और कहीं नहीं है। जो आपको व्यू मिल रहा है 180 360 किलो तो मुंडी घुमानी पड़ेगी। तो आपको व्यू मिल रहा है 180, वो आपको नहीं मिलेगा गाड़ी से, नहीं मिलेगा। हवा जो लग रही है सीधी सीधी वो नहीं लगेगी। वो जो फील है वो नहीं है किस चीज़ में जो बाइक में है भाई। तो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड मूर्थल। जैसे कि आपको मूर्थल ढाबा देख के पता ही चल रहा होगा, बट अभी हमको पहुंचना है मोजो लैंड। वहाँ पे एक वाटर पार्क है, उसको वहाँ पे पहुंचना है और वहीं पे सब एक साथ अकोमोडेट होंगे। और वहाँ पे एक इवेंट है, तो देखते हैं कैसा इवेंट होता है और कितना मज़ा आता है। और होपफुली और लोगों को मिलेंगे, दोस्तों बताएगा। रीच मोजो लैंड। अब देखते हैं पार्किंग का क्या सीन है। सो मोजो लैंड पे तो हम लोग पहुंच गए हैं। आप यहाँ पे जितनी बाइक्स खड़ी हैं उनको देख कर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितने लोग थे। वैसे भी आपको लगे कि चुका होगा जो ड्रोन शॉट्स मैंने डाले हैं, और रास्ते में जितने लोग दिख रहे थे उससे पता चला था कितने लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और फिर कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर आपसे बातें वी हैव रीच मोजो लैंड। जब घर से निकले थे तो सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी राइड और इतने बड़े इवेंट में मैं आने वाला हूँ, बट यहाँ पे आया तो इवेंट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं और खाने वाने का भी काफ़ी इंतजाम। मतलब जितने भी राइडर्स आ रहे हैं सबके खाने का इंतजाम, परफॉर्मेंस का इंतजाम, सबके पार्किंग का इंतजाम, क्योंकि इतने सारे राइडर्स को पार्किंग देना इतना बड़ा काम है। बट काफ़ी अच्छा इवेंट और काफ़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। पर अभी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चाहता हूँ पहले खा के आता हूँ कि खाने का भी काफ़ी सही इंतजाम है। मोदी जी भी आए हैं यहाँ पे वन नेशन वन राइड में। मैं अभी जाके उनके पैर छू के आता हूँ। आवाज़ बिल्कुल सेम ही थी भाई, ऐसा लग रहा था मोदी जी आ गए। बस एक बार भाई और बहनों बोलना था, भाई और बहनों। अचार ये बोल के कम लेना, कुछ ज़्यादा लेना। एक का बोल रही सर, आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आज मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, नॉट वेल। भी आप क्यों नहीं कर रहे हो यार? करो यार, कुछ तो करो। बहुत बड़े इवेंट है भाई, कुछ फ्री में आए हैं, फ्री में खाने को मिलना, फ्री में परफॉर्मेंस देखने को, फ्री में सर्टिफिकेट मिलना, कुछ नहीं किया। सो वन नेशन वन राइड में सब कुछ फ्री। मेरा वकील तुम टाइम टू लीव फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल इवेंट। काफ़ी खाली हो चुका है। अभी ये थोड़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, परफॉर्मेंस थी वो सब हो गई, खाना पीना हमने खा लिया। काफ़ी अच्छा इवेंट था, सब कुछ फ्री मिला। फ्री का इवेंट बढ़िया होता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, बीच में रुकेंगे थोड़ी देर, अपना जो ग्रुप आया उसके साथ बातचीत करेंगे, फिर निकलते हैं घर पर। कहीं भी मिलते हैं। सर एक फोटो प्लीज। सर 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 ये हमारे सेलिब्रिटी हैं। और कोई मिलने आए इनसे अभी तक? सेलिब्रिटी भाई, सेलिब्रिटी आदमी भाई। किसका लिया आया? किसका हेलमेट पार कर लिया तुमने? हेलमेट गायब हो गया, हेलमेट गायब हो गया मेरा, किसी और का है। किसी और का साफ कर रहा है कितनी देर से। सेलिब्रिटी कहाँ है भाई साहब? क्या करके माने गए आदमी भाई, किसी को छोड़ दे।